What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Stellar Family. तो आखिर नया महीना आ ही गया. मैं आशा करता हूँ कि शानदार तरीके से इस महीने को आप लोग enjoy करेंगे और बिल्कुल full dedication के साथ में अपनी जो भी गलतियाँ पिछले महीने की हैं उनको दूर कर अपने time को effectively utilize करेंगे. देखिए आप लोगों के सामने ना हर एक नया दिन आप लोगों को एक नई अपॉर्चुनिटी देता है अपने दिन को सही तरीके से यूटिलाइज करने की. तो आप लोगों के ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप लोग कितने किस दिन को कितने अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं. तो बेसिक फंडा आप लोगों का यहाँ पर यही होना चाहिए कि अपने दिन को इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है. और वो कब कर पाओगे? वो तब कर पाओगे जब आप लोगों को पता होगा कि गलती कहां पर कर रहे हैं. तो अगर आप लोगों को पता है कि आप लोग गलती कहां पर कर रहे हैं तो ये बेस्ट चांस है कि अपनी गलती को जल्दी से जल्दी आप लोग रेक्टिफाई करें और फिर उसके बाद में आगे बढ़े. ओके, तो कोशिश क्या करनी है? कोशिश हमेशा से ये करनी है कि प्रोडक्टिव वे में चीजों को करने की कोशिश करनी है. तो तभी आप लोग चीजों को सही तरीके से हैंडल कर पाएंगे. तो जब भी कोई भी गलती होती है उसे लिख लिया करो. भूलना नहीं अपनी गलतियों को. गलती सुधर कर ही एक इंसान जो होता है वो एक महान इंसान बन जाता है. एक ऐसा इंसान बन जाता है जो कि जिसको सब उदाहरण देने लगते हैं. तो अगर आप लोग उदाहरण बनना चाहते हैं तो आप लोग अपने ऊपर काम करना पड़ेगा. ये हमारी क्वेश्चन की वीडियो होती है. काफी कुछ शानदार आप लोग यहाँ पर देखने को मिलता है. बस छोटा सा काम आप लोगों को करना है मेरे क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले. आप लोग क्वेश्चन का आंसर दीजिए और उसके बाद में आप लोग चीजों को आगे देखिए. तो अगर ये पैटर्न आप लोग फॉलो कर लेते हैं तो शानदार तरीके से लंबे समय तक आप लोग चीजों को याद रख पाएंगे. ओके, तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के. आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इस क्वेश्चन में यहां पर बात की जा रही है नर्मदा रिवर के बारे में. तो नर्मदा रिवर से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? सबसे पहली स्टेटमेंट बोला गया है कि ये लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है जो कि एक पेनिनसुलर रिवर है और ये अमरकंटक रेंज माउंटेन मध्य प्रदेश से स्टार्ट होती है. दूसरा बोला गया यहां पर यह ट्रांसवर्स करती है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात और गल्फ ऑफ कॉम्बे में जाकर गिर जाती है. कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ओनली वन ए में बोला गया, बी में ओनली टू, सी में बोथ वन एंड टू, डी में नन ऑफ द अबव. सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी. आंसर है इसके यहाँ पर ए. समझ लेते हैं कैसे क्या क्या बात की जा रही है. तो बेसिकली यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगी नर्मदा रिवर. तो सबसे पहली बात तो ये होगी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है. बिल्कुल सही बोला गया है. ये इस्चुरी बनाती है. ठीक है, तो ये नर्मदा और तापी दो रिवर है जो वेस्ट फ्लोइंग है. वरना मैक्सिमम रिवर आप लोगों को यहाँ पर ईस्ट फ्लोइंग रिवर नजर आएंगी जो कि ईस्टर्न साइड में जाकर गिरती है. अगर बात की जाए नर्मदा के बारे में तो लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है जो कि मध्य प्रदेश अमरकंटक से जाकर यहां पर स्टार्ट हो जाती है और फिफ्थ लार्जेस्ट रिवर है कंट्री की जो कि गुजरात में लार्जेस्ट रिवर आप लोग बोल सकते हैं. मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और जो गल्फ ऑफ कॉम्बे में जाकर यहां पर आप लोगों को गिरती हुई नजर आएगी. तो आंसर हो गया यहां पर इसका ए. आगे बढ़ता हूं. अच्छा, एक छोटी सी चीज आप लोग और देख लीजिए ताकि आप लोग कंफ्यूजन में न रहें. ये गल्फ ऑफ खंबात बोला जाता है इसको और इसको गल्फ ऑफ कॉम्बे के नाम से भी जाना जाता है. एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग देखेंगे तो ये पर्टिकुलर रीजन है. ठीक है, तो यहां पर इसको आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है. अगर ये भी कंफ्यूजन रहता है तो दूर होना चाहिए. आगे चलता हूं. नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर बात की जा रही है यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बारे में और करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है. इसमें बोला गया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है फॉर रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन. इंक्लूड करती है रसिया, बेलारूस, ये किर्गिस्तान, कजाकिस्तान. सी में बोला गया फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड लेबर की बात की जा रही है और इसी के साथ में यहां पर ओन ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर भी यहां पर देखने को मिलेगी. सही आंसर क्या है? ए में बोला गया वन एंड टू, बी में बोला गया वन टू एंड थ्री, सी में बोला गया थ्री एंड फोर, डी में बोला गया वन थ्री एंड फोर. सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी. सही आंसर है यहां पर इसका डी. कौन सा गलत है यहां पर? ये सेकंड स्टेटमेंट यहां पर गलत है. जो बोला गया है कि कौन कौन यहां पर है तो रसिया, बेलारूस, अर्मीनिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान. ठीक है, तो ये बेसिक कंट्री है यहां पर जो कि रसिया, बेलारूस, अर्मीनिया, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान. तो ये कंट्री आप लोग यहां पर नजर आएंगे. बाकी सारी स्टेटमेंट यहां पर सही है. इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं और गुड्स एंड सर्विस की बात की जा रही है और खुद का ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर होगा जो कि सारी सिचुएशन को हैंडल कर चलेगा. बोलेंगे इसको यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन. ठीक है, तो यूरोप और एशिया के मेंबर आप लोगों को नजर आएंगे तो इसलिए इसको यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन बोला गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर बात की जा रही है एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में जो कि है बहामास. तो आइलैंड एरिया है यहां पर हुरिकेन डोरियन अभी देखने को मिला तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? बोला जा रहा है हुरिकेन डोरियन के द्वारा यहां पर लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन देखने को मिला द बहामास आइलैंड में. ये थर्ड मेजर हुरिकेन है 2019 का जो कि अटलांटिक हुरिकेन जो सीजन में देखने को मिलता है. इसी के साथ में अनाउंस किया गया इंडिया के द्वारा यहां पर 1 मिलियन हेल्प ताकि यहां पर बहामास में जो भी लोग हैं उनको ये हेल्प प्रोवाइड कराई जा सके. ट्रू स्टेटमेंट क्या है? ए में बोला गया वन एंड टू, बी बोला गया टू एंड थ्री, सी बोला गया वन एंड थ्री, डी बोला गया ऑल ऑफ द अबव. सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी. सही आंसर है यहां पर सी. यानी कि यहां पर वन एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर गलत है. बेसिकली आप लोग पहले एक बार एरिया देख लीजिए कहां पर है ये ताकि आप लोग इसको एक बार इंडिया के साथ में कंपेयर कर सकें. तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर जो यूएसए के नीचे जो थोड़ा एरिया ये रेड रेड आप लोगों को दिख रहा है तो ये यहां पर बहामा वाला एरिया. ठीक है ना, तो ये हो गया यहां पर
बहामास वाला एरिया जहां पर ये हुरिकेन देखने को मिला। अपनी कंट्री कहां पर, अगर अपनी कंट्री देखेंगे आप लोग तो ये आप लोग इधर आएंगे तो ये होगी हमारी प्यारी कंट्री। तो इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर हमारी कंट्री के द्वारा जो हेल्प की गई है, ये फर्स्ट इस तरीके का यहाँ पर ये हुरिकेन देखने को मिला हमारे एरिया में, जिसको साइक्लोन बोला जाता है, इस एरिया में उसको हुरिकेन बोला जाता है। तो आंसर क्या हो गया, सही आंसर हो गया यहाँ पर सही सी। ओके आगे बढ़ता हूं। और हाँ, ये जरूर याद रखिएगा कि 1 मिलियन की जो हेल्प की गई है इंडिया के द्वारा, ठीक है। तो ये इसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है, अटलांटिक ओशन में बेसिकली देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर यूपीएससी में पूछा जा चुका है, फ्लाई एस के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो पावर प्लांट होते हैं कोयले के, जो फ्यूल यूज करते हैं एज ए कोयला, उनमें से ये निकलती है, इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फ्लाई एस कैन बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द ब्रिक, यानी कि जो ईंट वगैरह होती है, और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। दूसरा बोला गया, फ्लाई एस कैन बी यूज रिप्लेसमेंट ऑफ द सम, जो पोर्टलैंड सीमेंट होता है उसको यहां पर रिप्लेस किया जाता है, कंक्रीट के तौर पर यूज किया जा सकता है। फ्लाई एस में बोला जा रहा है कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड होते हैं ओनली, और कोई एनी टॉक्सिक एलिमेंट इसमें नहीं होता है। सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी। ए में बोला गया 1 एंड 2, बी में बोला गया 2, सी में बोला गया 1 एंड 3, डी में बोला गया ओनली 3। ए बी सी एफ डी, तो आंसर है यहां पर इसका ए। आप लोग खुद भी समझ सकते हैं कि कोयले में से जिस तरीके से चीजें निकलती हैं उसको जलाने की वजह से, तो काफी टॉक्सिक एलिमेंट है, इसीलिए बोलते हैं कि पोल्यूशन काफी फैल रहा है। तो यहां पर ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है कि कोई इस तरीके से पोल्यूशन नहीं निकलता है यहां पर इसमें से। कोयले में आप लोग यहां पर कैडमियम, यहां पर कॉपर, लेड, मरकरी, ये सारे निकिल, रेडमियम, ये सारी चीजें, यूरेनियम आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जो कि यहां से निकलते हैं कई बार। तो ये गलत स्टेटमेंट है। बाकी ये कई जगह यूज किया जाता है, जो कि फ्लाई एस होती है और एनवायरमेंट को भी काफी नुकसान पहुंचाती है। तो आंसर इसका ए हो गया। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है रोलेट सत्याग्रह के बारे में। तो इससे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। बोला गया कि यहां पर रोलेट एक्ट पास किया गया यहां पर ऑन द रिकमेंडेशन, जो सेडिशन कमेटी थी, एक तरीके से देशद्रोह बोलते हैं, तो उसकी कमेटी के बेस पर इसको पास किया गया। तो रोयल्ट सत्याग्रह जो था यहां पर गांधी जी के द्वारा ट्राई किया गया, यहां पर होम रूल जो लीग थी उसको यूज करने के लिए। जो यहां पर डेमोन्स्ट्रेशन थी, यानी कि जो प्रोटेस्ट था, वो यहां पर जो साइमन कमीशन था उसके साथ में कॉन्साइड कर रहा था रोयल्ट सत्याग्रह का, यानी कि साइमन कमीशन और रोयल्ट सत्याग्रह एक साथ हुए थे, ऐसा यहां पर बोलने की कोशिश की जा रही है। सही आंसर क्या है, ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2 एंड 3, सी में बोला गया 2 एंड, ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 1 एंड 2, सी में बोला गया 2 एंड 3, डी में बोला गया 1 2 3। सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी। सही आंसर है यहां पर बी, फर्स्ट स्टेटमेंट से। यहां पर एक तरीके से ये एक्ट लाया गया अंग्रेजों के द्वारा कि बिना ट्रायल के ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा, एक तरीके से राजद्रोह के तौर पर, यानी कि राज्य है जो वहां पर जो रूल कर रहे हैं उनके खिलाफ विद्रोह किया जा रहा है, तो उसके लिए गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो इसके चले यहां पर फिर सत्याग्रह स्टार्ट किया गया इसको रोकने के लिए। तो होम रूल लीग का इस्तेमाल यहां पर किया गया। आगे बात की जा रही है यहां पर, ये जो साइमन कमीशन के साथ में बोला जा रहा है यहां पर, ये इसके साथ में कॉन्साइड किया नहीं, ये बात है 1919 की, और साइमन कमीशन है यहां पर ये 1927 के लगभग में, ठीक है। तो बिल्कुल यहां पर लगभग 10 साल का डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये बिल्कुल अलग मुद्दे थे दोनों, तो दोनों कॉन्साइड नहीं कर रहे थे। तो आंसर यहां पर बी हो गया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहा है IUCN के बारे में। IUCN जो यहां पर कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा, तो इसके बारे में बात की जा रही है, जिसे CITES बोला जा रहा है, इससे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट में बोला गया यहां पर जो IUCN है, जो ये एक IUCN है, IUCN इज एन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन, और इसी के साथ में CITES है, जिसको हम लोगों ने बोला यहां पर कंजर्वेशन और इंटरनेशनल ट्रेड इंडेंजर्ड स्पीसीज फ्लोरा एंड फ्यूना। तो ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है बिटवीन द जो गवर्नमेंट्स हैं, इनके अलग अलग कंट्री गवर्नमेंट है। IUCN जो है यहां पर थाउजेंड्स ऑफ फील्ड प्रोजेक्ट आप लोग अराउंड द वर्ल्ड देखने को मिलेंगे, जो कि मैनेज करते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट को, ठीक है। इसी के साथ में CITES है, ये लीगली बाइंडिंग होता है स्टेट के ऊपर, जो कि ज्वाइंट किया जाता है, बट डिफरेंट जो कन्वेंशन यहां पर है ये नेशनल लॉ को रिप्लेस नहीं करते हैं। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2 एंड 3, सी में बोला गया 1 एंड 3, डी में बोला गया 1 2 एंड 3, कौन सा आंसर सही है। तो जो सही आंसर है यहां पर ये इसका बी, यानी कि 2 एंड 3। फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर गलत है कि ये बिटवीन द गवर्नमेंट है, तो यहां पर गवर्नमेंट नहीं होगा, बेसिकली इन्वायरमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा यहां पर इसको फाउंड किया गया था। तो इसके द्वारा 1948 में यहां पर चीजें स्टार्ट की गई थी ताकि सिचुएशन को हैंडल किया जाए। फ्लोरा और फ्यूना, जो फ्लोरा होता है वो जो फूल पत्तियां होती है, और फ्यूना होता है जो यहां पर पशु पक्षी होते हैं। तो फ्लोरा एंड फ्यूना जो कि इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं उनको सेव करने की बात की जाती है, और अगर कोई नेशनल लॉ है तो उसको ये रिप्लेस नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि काफी न्यूज में भी था। आंसर यहां पर बी हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात की जा रही है यहां पर NIF के बारे में, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया, इसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। बोला जा रहा है कि NIF एक ऑटोनोमस बॉडी है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया कि NIF में यहां पर एक तरीके से इनिशिएटिव लिए जाते हैं स्ट्रेंथन करने के लिए हाई एडवांस साइंटिफिक रिसर्च। इंडिया में प्रीमियर जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है वो काम करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं एडवांस कंट्रीज के साथ में, खासकर हाईली साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन के साथ में काम करने के लिए। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ए में बोला गया 1 ओनली, बी
डीएम बोला गया, टूनली सीएम बोला गया, बोथ वन एंड टू डीएम बोला गया, नाइदर वन नो टू। सही आंसर यहां पर इसका ए, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। सबसे पहली जो बात है वो तो बिल्कुल सही है, ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है कि हाँ हमारी कंट्री में काम करता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में। पर लेकिन सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल यहां पर गलत बोली गई है, क्योंकि यहां पर एक तरीके से ये जो काम करता है ये हमारे फार्मर हो गए, जो मैकेनिक्स हो गए, आर्टिशियन हो गए, उनको सबको मिलाकर काम करता है। किस तरीके सिचुएशन हैंडल की जा सकती है हमारी कंट्री में इनोवेशन के लिए काम करता है, तो कोई बाहर की कंट्री के साथ में नहीं, अपनी ही कंट्री में सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जाती है। तो नेशनल लेवल पर इनोवेशन करने की कोशिश की जाती है, तो बाहर की कंट्री का कोई भी कोलैबोरेशन इसमें नहीं है। यह स्टार्ट किया गया था, यहां पर इसको सेटअप किया गया था 2000 में, और यहां पर जो इसको एस्टेब्लिश किया गया था अहमदाबाद गुजरात के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया था, ताकि अपनी ही कंट्री में हम लोग इनोवेशन कर आगे बढ़ सके। बात की जा रही है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में, तो ये राजनीति के जो निर्देशक सिद्धांत माने जाते हैं उनके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बोला गया है। ये जो प्रिंसिपल है यहाँ पर, ये सोशियो इकोनॉमिक, ये डेमोक्रेटिक एक तरीके से प्रिंसिपल की बात की जाती है हमारी कंट्री में, यानी कि सोसाइटी के डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। ये प्रिंसिपल जो है ये कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स नहीं किए जाते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ए में बोला गया वन ओनली, बी में बोला गया टू ओनली, सी में बोला गया बोथ, डी में बोला गया नाइदर। सही आंसर है यहाँ पर इसका ए, बी, सी, एफ, डी। तो सही आंसर है यहाँ पर सी। ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को शॉर्ट फॉर्म में आप लोग डीपीएसपी बोलते हैं, ये पार्ट 4 में आप लोगों को देखने को मिलते हैं आर्टिकल 36 से लेके 51 तक का। ये बेसिकली जिस तरीके से फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो आप लोग कोर्ट में जा सकते हैं, अगर इनका हनन होता है तो आप लोग कोर्ट में नहीं जाएंगे। ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि इनको इंप्लीमेंट करना है या इंप्लीमेंट नहीं करना है। और इसी के साथ में यहां पर अगर आप लोगों को सबक सिखाना है गवर्नमेंट को, तो फिर आप लोगों को 5 साल का टाइम वेट करना पड़ेगा, जब इलेक्शन आएगा तभी आप लोग सबक सिखा सकते हैं। तो आंसर यहां पर इसका सी हो गया। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है दगोंग के बारे में, तो ये इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसको दगोंग बोलते हैं। ये पिक्चर आप लोगों के सामने है, ये जो मैमल है ये इंडिया में फाउंड पाया जाता है इंडियन ओशन में या फिर किसी पर्टिकुलर रीजन में, तो उसी के बारे में स्टेटमेंट है। पहले बोला गया ये एक हर्बीवार है, ये मैराइन एनिमल है, यानी कि शाकाहारी समुद्री जानवर है, यानी कि समुद्र की घास खाता है। ये जो पाया जाता है एंटायर जो कोस्टल एरिया है हमारी कंट्री का उसके इर्द गिर्द पाया जाता है। इसको यहां पर लीगल प्रोटेक्शन है अंडर शेड्यूल फर्स्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। सही स्टेटमेंट क्या है? ए में बोला गया वन एंड टू, बी में बोला गया टू ओनली, सी में बोला गया वन एंड थ्री, डी में बोला गया ओनली थ्री। ए, बी, सी, एफ, डी। सही आंसर क्या है? सही आंसर यहां पर इसका सी, यानी कि वन एंड थ्री स्टेटमेंट यहां पर सही है, पर सेकंड स्टेटमेंट यहां पर गलत है। ये एंटायर कोस्ट पर हमारी कंट्री के नहीं पाया जाता है, बेसिकली गुजरात का जो कोस्ट है गल्फ ऑफ कच्छ आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसी के साथ में कुछ आप लोग अगर थोड़ा साथ में जाएंगे तो तमिलनाडु कोस्ट पर देखने को मिलेगा। तो हमारी कंट्री का ऐसा नहीं है कि जो 9 के 9 राज्य हैं यहां पर कोस्टल एरिया में सब जगह पाया जाता है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। शेड्यूल 1 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इसको प्रोटेक्ट किया गया है, ये जो है यहां पर खासकर ये एक शाकाहारी प्राणी है जो कि इस पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता है, तो इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। क्वेश्चन में बात की जा रही है नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में, नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हेल्थ सेक्टर में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया टारगेटेड ड्रग डिलीवर की जा सकती है पॉसिबली नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू। बी में बोला गया नैनो टेक्नोलॉजी यहां पर ये लार्जली कंट्रीब्यूट करती है जीन थेरेपी के लिए। सही स्टेटमेंट क्या है? ए में बोला गया वन ओनली, बी में बोला गया टू ओनली, सी में बोला गया बोथ वन एंड टू, डी में बोला गया नाइदर वन नो टू। तो जो सही आंसर है वो है यहां पर आप लोगों के सामने सी। तो सी आंसर इसका सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है कि टारगेटेड डिलीवरी कर सकते हैं और इसी के साथ में आप लोग लार्जली जो जीन कटिंग थेरेपी है उसके लिए भी इसको यूज किया जा सकता है। देखिए ये एक ऐसा सिस्टम है हमारी कंट्री में क्या ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर इसको यूज करना चाहते हैं तो काफी इफेक्टिवली आप लोग यूज कर सकते हैं। मान लीजिए बॉडी के किसी भी पार्ट में, हमारी बॉडी में किसी भी पार्ट में कहीं पर टारगेटेड दवाई देनी है कि हाँ इस पर्टिकुलर रीजन में ही दवाई जानी है, तो वो नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग पहुंचा सकते हैं। तो काफी नैनो आप लोग समझ सकते हैं ना कि नैनो स्केल पे काम किया जाता है यहां पर। तो हमारी नैनो मैगजीन है जैसे छोटी सी नैनो मैगजीन, उसी तरीके से यहां पर आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो उसी तरीके से यहां पर ये काम किया जाता है और जो इसी तरीके से यहां पर लोअर एक आप लोग बोल सकते हैं कि लोअर कोस्ट पर हाई इफिशियंटली वर्क हम लोग इससे कर सकते हैं। और जीन कटिंग टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि जिस तरीके से इंसान की जो बॉडी होती है, तो इंसान की बॉडी में आप लोगों को प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि जहां पर खासकर ऐसी बीमारी जो कि हमारे पेरेंट्स से हम लोगों को लगती है, तो उन बीमारी को भी यहां पर सही करने की क्षमता रखती है यहां पर ये पर्टिकुलर सिस्टम से अगर हम लोग यूज करते हैं। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट था जिसके बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर लेक्चर आप लोगों को पसंद आया तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, नहीं पसंद तो डिसलाइक कीजिएगा। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर का होगा। इस लेक्चर की पीडीएफ आप लोग यहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर पसंद आया है तो शेयर जरूर कीजिएगा, खुद भी पढ़िए दूसरों को पढ़ाइए, इसी तरीके से आप लोगों को लाइफ को एंजॉय करना है। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार, और आप लोग यहां पर भी मेरे साथ कनेक्ट रह सकते हैं। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।